हम जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 में पास हुआ, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जिसको बोलते हैं, दिया जाने लगा। इसमें एक प्रोविजन जो बाय चांस अच्छी हो गई, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हम अक्सर करते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स में कि क्वालिटी एजुकेशन सभी बच्चों को, सर्व शिक्षा अभियान 2010 तक एम देखे गए कि सभी बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कह रही है कि अभी तक 3.22 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं 2023 में, अभी भी इससे ज्यादा ही होंगे, और 2 करोड़ बच्चों को फिर शामिल किया जाएगा के स्कूल में लाया जा सके। ये बेशक बात 6 से 17 साल के बच्चों की है, लेकिन ये युद्ध रहा है, हमेशा ही युद्ध रहा है कि हम यूनिवर्सलाइजेशन सभी बच्चों को स्कूल में ले आए। पहले तो उनकी बॉडी को लेके आए, फिर मन को लेके आए, मिड डे मील हुआ कि वो आ जाए, तो उनके लिए आरटी एक्ट ने एक बड़ा कदम उठाया था कि टीईटी टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो रख दिया कि ये पास करेंगे उनको जॉब दी जाएगी कि अच्छा टीचर सेलेक्ट हो। इससे ये बात सही साबित हुई कि टीईटी ने बीएड और ईटीटी में जो नाटक होते हैं उससे अच्छा रोल अदा किया। कारण क्या था कि ना तो असल में बीएड हो रही है ना तो ईटीटी हो रही है, ये 2020 पॉलिसी कह रही है कि 10,000 से ज्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं सर्टिफिकेट बेच रहे हैं, वहां बच्चे भी नहीं आ रहे, स्टूडेंट भी नहीं आ रहे, और ट्रेनिंग की बात इसी उसमें होगी, ईटीटी में हो या बीएड में हो, दोनों में ही स्टूडेंट तो आ ही नहीं रहे, तो फेक डिग्री चल रही है। युद्ध जो है एक थ्योरेटिकल युद्ध है। इसमें क्या हुआ कि 2009 में टीईटी जो कंपलसरी हो गया, टीईटी अब कंपलसरी हो गया, हम जानते हैं कि ईटीटी जो है कोर्स जिसको डीएलएड अभी कहा जाता था, ये एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग है, डीएलएड है डिप्लोमा इन टीचर ट्रेनिंग, जो राजस्थान की अब बात करेंगे उसमें है राजस्थान बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बीटीसी। तो ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन इनका परस्पर क्या था कि एक ऐसे टीचर्स तैयार करने जो इनको अच्छी तरह क्वालिटी एजुकेशन दे सके, अच्छी टीचिंग कर सके। इट मींस स्पेसिफिक कोर्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस और क्लासेस, ये चल रहा था। और बीएड जो था वो 10th तक के स्टूडेंट्स को तैयार करने के लिए, अगर बीएड के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यहां पर 10+2 हो जाती है कि 10+2 तक के लिए आप तैयार हो रहे हो। तो इसमें जो टीचिंग मेथोडोलॉजी टीच की जाती है, की जा रही है, ये डिवीजन की जा गई है कि स्पेशलाइजेशन फॉर दीज क्लासेस, स्पेशलाइजेशन फॉर दीज क्लासेस, ये पर्पस था। अब हुआ क्या आगे के, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ईटीटी जो टीईटी क्लियर करना था वो सिर्फ 6 से 16% बच्चे ही, स्टेट वाइज ये डिफरेंस हो सकता है, 100 में से 6 या 16 बच्चे टीईटी एलिमेंट्री लेवल पर, जिसे पेपर 1 कहते हैं, आगे चल के बताता हूं, 2 तरह के पेपर होते हैं जब टीईटी दोगे। पेपर 1 था जिसने पेपर वन था एक से पांच जो पांचवी क्लास तक बच्चों को पढ़ाना है वो, और इनके लिए ईटीटी हो गई। टीईटी टीईटी में सिर्फ इतने बच्चे पास हो गए, और जो केंद्रीय विद्यालय हैं या गवर्नमेंट जिनको डिमांड जिनके लिए सप्लाई करनी है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए, बात ये भी है ना, क्वालिटी टीचर चाहिए, क्वालिटी टीचर क्या है, ईटीटी करो, टीईटी करो, टीईटी में इतने पास हुए तो वो उनकी कमी पूरी नहीं होती थी। हुआ क्या कि केंद्रीय विद्यालय ने कहा कि ईटीटी में तो अच्छे टीचर या सफिशिएंट टीचर नहीं मिल रहे कि बीएड वालों को अप्लाई करवा दिया जाए, और जो एलिमेंट्री क्लास है उनको पढ़ाने के लिए, है ना, ये रिक्वेस्ट जो गई एनसीटी के। एनसीटी ने क्या किया कि 28 जून 2018 को अपने गजट में ये नोटिफाई कर दिया कि बीएड वाले इनको, ईटीटी वालों को, इनको जो है 1 से 5 तक, यहां तक 1 से 5वीं क्लास तक ये टीच कर सकते हैं, ये टीईटी पेपर 1 दे सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, इनको परमानेंट जॉब मिल सकती है। साथ में एक कंडीशन रख दी कि 6 मंथ ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बीएड वालों को, अगर जॉब मिल जाती है उसके बाद
गजट में छप गया और सारे इंडिया में ये अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद राजस्थान में थोड़ी गड़बड़ होनी शुरू हो गई। 2018 के बाद राजस्थान के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बीएड वालों को ईटीटी जहां पेपर वन टीईटी जहां उसके लिए 1 से 5वीं कक्षा के लिए टीच करने के लिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बीएड वालों ने क्या किया कि एनसीटीई के इस डॉक्यूमेंट का गजट का सहारा लेके राजस्थान हाई कोर्ट में केस कर दिया कि हम भी एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू एनसीटीई। हाई कोर्ट ने, राजस्थान की हाई कोर्ट ने एनसीटी के गजट को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि बीएड वाले ईटीटी जगह नहीं ले सकते, वे 1 से 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। असल में राजस्थान में बीएड वालों का प्रेशर ग्रुप बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल 9 लाख लोगों ने जो बीएड के कैंडिडेट थे अप्लाई किया, और आप देखिए कि जब ये गिनती में बहुत थोड़े हैं, 9 लाख कैंडिडेट प्लस हो गए तो कंपटीशन इतना बढ़ गया, हलचल मचनी थी। 2021 में ऐसा हुआ कि बीएड वालों का जब ये केस चल रहे थे, 2021 में बीएड वालों को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक शर्त से बैठने दिया कि जब ये कोर्ट का आगे जो चला गया केस, कोर्ट का फैसला जो होगा वो उनको मानना पड़ेगा, इस कंडीशन पर वो टीईटी में जहां इस टेस्ट में बैठ सकते हैं। राजस्थान में तो एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का जीत गया और एनसीटी की ये गजट को खारिज कर दिया गया। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसका डिसीजन अब आया है, जिस डिसीजन में कुछ नहीं, जो राजस्थान की हाई कोर्ट ने कहा था और एजुकेशन डिपार्टमेंट जीता था कि ईटीटी वाले ही पेपर वन जहां 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, बीएड वाले नहीं है, सेम को रिपीट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसका असर नेचुरली है कि सारे देश में अब होना है, लेकिन ये इनजस्टिस है, अनसर्टन है। कारण क्या है कि ऑलरेडी कितने कैंडिडेट सीट एट अभी हो रहा है, कितने कैंडिडेट ऑलरेडी उसकी फीस फिल कर चुके हैं, पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पंजाब में जो पीएसटेट हुआ है, कैंडिडेट्स ने, बीएड वालों ने पेपर वन दिया है, पेपर वन क्लियर किया है, और उससे पहले भी कई जनों का क्लियर है। तो पॉलिसी क्या है, उन लोगों का क्या कसूर है? प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने तैयारी भी की और पेपर भी भरा, फीस भी फिल की, एनर्जी भी लगाई, और ये एक सपना भी देखा कि यस वी आर एलिजिबल। तो अब उन्हें कहा जा रहा है कि दे आर नॉट एलिजिबल। जस्टिस फिर किसी तरह नहीं हो सकता, जस्टिस इनको मिल गया है। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि गलत नहीं हुआ, गलत तो ये है कि कैंडिडेट्स के साथ खेला जा रहा है। खेल कौन रहा है, ये सारे मिलके खेल रहे हैं। बहुत पुराना गीत है, मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, ए लास्ट वाली लाइन को पकड़ लो, मेरे देश का यारो क्या कहना, देश है दुनिया का गहना। वीर जवान है, उन्होंने तो सब कुछ किया, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट के साथ क्या रहे हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ईटीटी वाले ही इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए थे अगर स्पेशलाइजेशन इंक्लूड करती है, और बीएड वाले इनके लिए होने चाहिए थे, लेकिन इनको ये वाले ड्रीम्स दिखा के अब रिजेक्ट किया जा रहा है, ये पेन है। कहा ये जा रहा है कि ईटीटी वालों को ट्रेनिंग दी जाती है 1st से 5th क्लास के लिए, और बीएड वालों को जो 6th से 10th क्लास के लिए। पर भैया मेरी बात ये तो बताओ, ट्रेनिंग दी किसको जा रही है? ट्रेनिंग तो किसी को भी नहीं दी जा रही। ये सारे मिलके, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, एनसीटी, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट, सभी मिलके, सभी जानते भी हैं ट्रेनिंग किसी को नहीं दी जा रही। तो ये युद्ध सिर्फ कंसेप्चुअल युद्ध है, जिसमें पेन प्रैक्टिकल है। उसमें जो नुकसान क्या हुआ है कि अब बीएड वाले टीईटी का पेपर वन नहीं फिल कर सकेंगे, और वो 1 से 5वीं क्लास को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने साथ में कई स्टूडेंट ने ईटीटी की है, देन दे आर एलिजिबल टू टीच फॉर बोथ 1st to 5th एज वेल एज 6th to 10th क्लास। जैसे मैंने कहा, मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारों क्या कहना। तो ये कह रहा हूँ, मेरे देश का यारों क्या कहना। तो अभी भी नहीं पता कि इस केस के ऊपर और कुछ हो सकता है, जो हो सकता है, हो क्या सकता है। मेरे मुताबिक
कि जो बीएड वाले पेपर वन क्लियर कर चुके हैं, सीटेट का पेपर फिल कर चुके हैं, या बाकी स्टेट के टीईटी क्लियर कर चुके हैं, उनका कसूर के साथ जस्टिस क्या? भी इस फैसले में ये अनसर्टेनिटी हो सकती है कि जो अगर किसी कई जो टीचर्स हैं उन्होंने बीएड वालों ने पेपर वन क्लियर करके ज्वाइन भी कर लिया है, उनकी जॉब को मेरे ख्याल में नहीं हो सकता, ये उनका कोई नुकसान होगा? आज से आगे वाले जो बीएड वाले होंगे वो सिर्फ सिक्स्थ से टेंथ तक, जहाँ प्लस टू तक अगर पीजी की है वहाँ तक के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत अच्छी बात भी ये भी है कि ये आपको डिलेमा में से निकाल दिया गया। जो बच्चे ये पूछते थे कि हम पेपर वन पर फिल करें जब टीईटी करना है या टू फिल करें, तो अब आपके लिए स्पष्ट है कि आपने पेपर टू ही फिल करना है, पेपर वन की तैयारी नहीं करनी। इसमें कुछ गलत नहीं है, जब पेनफुल नहीं है कि ये सिर्फ उनके लिए एलिजिबल है, हम सिर्फ टेंथ और ट्वेल्थ तक के लिए एलिजिबल हैं। बात ये है कि माया क्यों गया कभी इधर कभी उधर, और इतनी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं वो पॉलिसी ढंग की नहीं अभी तक बना सकती। शायद उसी का एक ही कारण है, इंडिया इज ए करप्ट कंट्री का एक ही रीजन है, करप्शन इन एजुकेशन। सो डोंट वरी, जो अभी बीएड में एंट्रेंस में जा रहे हैं, बीएड करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्लैरिटी हुई है, उनके लिए कुछ बुरा नहीं है, उनका स्कोप कुछ कम नहीं हुआ। कारण ये है कि आपके पास दो दो सब्जेक्ट हैं, कई तीन तीन के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए जोर नहीं लगाते, आपके पास गाइडेंस ठीक नहीं है, आप टीईटी के मार्क्स अच्छे नहीं लेके जाते, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सिलेक्शन टेस्ट की अभी से तैयारी नहीं शुरू करते, इतना बड़ा युद्ध नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है जो पीछे बात करके आए हैं, ये बात ठीक है कि ईटीटी के कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, ये प्रॉब्लम वहीं से जन्म हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट बीएड के ही हैं और पोस्ट रिलेटिवली इसकी ज्यादा है, अगर इक्वल भी है तो इसमें कंपटीशन बहुत कम हुआ। उसमें प्रॉब्लम क्या है यार, ईटीटी कर लो, एक वीडियो मैंने निकाला है, उसके कंपैरिजन भी किया है, इसके नीचे लिंक भी दिया गया होगा, ईटीटी वर्सेस बीएड या बीएड वर्सेस ईटीटी व्हिच इज बेटर कोर्स फॉर टीचर, तो उसको इवेल्युएट करो। और अगर आपकी आपने स्टेटस देखना है, जी मैंने हायर क्लास को ही पढ़ाना है, तो यहाँ टिके रहो। अगर आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है तो नेचुरली है कि ईटीटी कर लो, अदरवाइज होना तो वो है टंकियों पर चढ़ के तो टीचर ने फिर बैठना ही है ना, साफ नहीं मिलेगा। आपके लिए एक ही सुजेशन है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन क्लैरिटी करके तैयारी टाइम पर शुरू करो। बेशक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट बीएड हैं, उनमें से कितने टीईटी क्लियर करते हैं, उनमें से कितने सिलेक्शन टेस्ट के लिए जी और जान लगा देते हैं, ऐसे जॉब मिल जाती है। साइड योरसेल्फ। थैंक यू।